ये आपने जजमेंट की होगी, अंदाजा किया होगा कि जब प्योर ओरिजिनल किसी अल्लाह के वली के मजार पे बंदा चला जाए ना, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ मतलब एक ड्रामेबाजी है ना कि मतलब जिन और कोई कम नहीं लगता, वो कपड़े जरूरत ज्यादा पा के या कम पा के तो वो वली बन जाता इन देने, ठीक है, को माल्टे शाते केले शाते सेब शाते फलाना शाते, ये नहीं, जो ओरिजिनल अल्लाह का वली होता है तकवे के मकाम पे फैज होता है, आप उसकी कब्र पे जाके ये फीलिंग महसूस करेंगे कि वहाँ पे जब बंदा जाता है एक ताजगी महसूस करता है, एक तबीयत पर सुकून महसूस करता है, तबीयत पर जो है एक अजीब कैफियत महसूस करता है, इसलिए कि वो हकीकी जो नेक और साले होता है उसकी जगह पे अल्लाह अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो इसलिए जिस तरह दुनिया में रहते हुए एक अच्छा और नेक पड़ोसी वो पड़ोसी के लिए फ़ायदा मंद होता है, तो इसी तरह अगर नेक और साले कब्र वाला होता है तो वो भी फिर साथ वाले के लिए फ़ायदा मंद होता है। फरमाया रब्बना व आतीना मा वअतना अला रसूलिका, और याद हमें वो अता कर जिसका तूने अपने रसूल से वादा किया, वला तुख्ज़िना यौमल क़ियामा, और हमें क़्यामत के दिन गमगीन ना करना, इन्नका ला तुख्लिफुल मियाद, तू जो है अपने वादे की खिलाफ अर्जी नहीं करता। तो इन दुआया जुमलों पर जो है सूरह अल इमरान का जो है ये आखिरी दर्स मुकम्मल होता है, और इंशाल्लाह कल या परसों से जो है नेक्स्ट सूरह निसा, बड़े अहम उसमें आकाम हैं, ख़ास तौर पर तलाक के हवाले से, निकाह के हवाले से, रिदात के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वालिदैन और औलाद की जिम्मेदारियों के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह कल या परसों से जो है वो सूरह अन्निसा का जो है वो बाकायदा दर्स शुरू होगा। अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला इस घर में अब तक हमने सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान की शक्ल में जो दरस कुरान, तालीम कुरान और मफहूम कुरान का हमने ये सिलसिला शुरू किया, अल्लाह ताला इसको मेरे लिए, आप सुनने वालों के लिए, सब अहबाब के लिए जो है बैस बरकत बनाए, और इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमारे शऊर के, फ़िक्र के, इल्म के, जहन के, दिल के, दिमाग के दरीचों को खोल कर अल्लाह कुरान के नूर से हमें फैजियाब करे। वाकिर दावाना अलहमदिल्ला اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الدائمة بدعاء من ذلك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا باري تعالی تیرے کلام پاک کی سورہ آل عمران کا ترتیب وار درس قرآن کا سلسلہ آج کے بابرکت دن میں اختتام پذیر ہوا یا اللہ اب تک کے درس قرآن میں حاضرین میں سے جو جو احباب لگاتار شریک ہوتے رہے سنتے رہے سناتے رہے या अल्लाह इस इल्म को इस तालीम को आगे दूसरों तक मुंतकिल करने की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह मरते दम तक हमें इस लारैब किताब के दामन के साथ जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह कुरान को समझने की समझाने की बाबरकत साथ दे, या अल्लाह हर मुसलमान को अता फरमा, हर मुसलमान का खात्मा ईमान पे फरमा, कुरान की बरकत से या अल्लाह हमारे लिए जन्नत जो है वो हमारे हिस्से में शामिल फरमा, कुरान की बरकत से या अल्लाह हम सबको दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा, आखरत की ज़िल्लत से महफूज फरमा, आखरत की रुसवाई से महफूज फरमा, हर कलमा गो को ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, हर कलमा गो का खात्मा ईमान पे फरमा, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ी मुहम्मदिन।